दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन YouTube पर रेगुलर मिलती रहे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल अनिल ठाकुर ऑफिशियल में। दोस्तों मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझसे मेरी एक वीडियो में पूछा था कि आप गूगल प्ले स्टोर पर विश लिस्ट का फीचर कहाँ से देख सकते हो। जैसे कि आप सबको पता ही होगा और जिन लोगों को नहीं पता तो मैं उनको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो गूगल प्ले स्टोर है, यहाँ पर एक अपडेट यहाँ पर आया था जिसके तहत जो है आपके गूगल प्ले स्टोर में कुछ बदलाव किए गए हैं और जो फीचर्स वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिलते थे, अब आपको यहाँ पे आपकी जो आपकी जीमेल आईडी की फ़ोटो आपको यहाँ पे दिखाई देती है उस पर टैप करने पे वो फीचर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे इनका भी तरीका जो है थोड़ा बहुत चेंज कर दिया गया है और इसमें एक फ़ीचर होता था विश लिस्ट। अब ये विश लिस्ट का फीचर होता क्या है, देखिए यहाँ पे जैसे अगर आपके सामने इतने सारे ऐप्स आते हैं, मान लीजिए कोई ऐप आपको बहुत पसंद है लेकिन आप उसे डाउनलोड नहीं कर रहे हैं किसी कारण की वजह से, लेकिन आप उस एप्लीकेशन को सेव करना चाहते हैं फ्यूचर के लिए कि भाई आपको वो एप्लीकेशन पसंद है, तो ऐसे में आप उस एप्लीकेशन पर जाएंगे। उस एप्लीकेशन पर जाने के बाद आपको जो यहाँ पर 3 डॉट का ऑप्शन देखने को मिलता है, आप इस पर टैप करेंगे। टैप करने के बाद आपको यहाँ पर एक फीचर देखने को मिलता है 2nd नंबर पर, एड टू विश लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब आपकी इच्छा है कि आप इस एप्लीकेशन को बाद में डाउनलोड करोगे, फिलहाल आप किसी कारण की वजह से अगर नहीं कर रहे हो, मान लीजिए आपका डेटा ख़त्म हो गया आज का या किसी और कारण की वजह से, तो ऐसे में आप इसको विश लिस्ट में यहाँ पे सेव कर सकते हो ताकि आने वाले टाइम में उस एप्लीकेशन को ढूंढने की दिक्कत आपको ना करनी पड़े और वहाँ से आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सको ईजिली। ठीक है, तो ये जो फीचर है विश लिस्ट कहलाता है। लेकिन ये फीचर मान लीजिए आपने इसको सेव कर दिया, ठीक है, हम इस एप्लीकेशन पर अगर जाते हैं मान लीजिए और इस पर जाने के बाद हमको यहाँ इसको सेव कर लेते हैं, सेव तो हो गया, देखिए यहाँ पे एडिंग टू विश लिस्ट यहाँ पे ऐड हो चुका है ये एप्लीकेशन हमारी विश लिस्ट में। लेकिन यहाँ पे इस एप्लीकेशन को हम कैसे देख सकते हैं बाद में, तो वो मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर ने जिन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा है। तो यहाँ पे देखिए आपको करना क्या, आपको यहाँ पे जो आपका आइकन दिखाई देता है जीमेल आईडी का, उस पर आपको टैप कर लेना है। टैप करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे लाइब्रेरी का ऑप्शन देखने को मिलता है 2nd नंबर पर, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सबसे ऊपर यहाँ पे विश लिस्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है और यहाँ पर टैप करने के बाद आपके सामने वो सारे ही एप्लीकेशन यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जो आपने इसमें विश लिस्ट में सेव किए होंगे। और जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे लूडो सुप्रीम नाम का ये एप्लीकेशन अभी अभी यहाँ पे सेव किया था और इसके अलावा मैंने काफ़ी एप्लीकेशन हैं जो पहले सेव की हुई थी, तो वो सब आपको यहाँ पे दिखाई दे ही रही होंगी। तो ये जो फीचर है आपको यहाँ पे मिलेगा लाइब्रेरी में जाने के बाद, आपको यहाँ पे सबसे ऊपर ये फीचर देखने को मिलता है। आप यहाँ पे देखिए लाइब्रेरी में जैसे जाएंगे तो यहाँ पे विश लिस्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और अगर आप हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन यूट्यूब पर रेगुलर पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में हमारे यूट्यूब चैनल अनिल ठाकुर ऑफिशियल पर, तब तक के लिए धन्यवाद।